तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम है आप सभी का। और आज कुछ खास एक्सपेरिमेंट होने वाला है, सब कुछ देसी जुगाड़ है। सबसे पहले तो ये देख सकते हैं, ये बिस्लरी बॉटल का एक छोटा सा देसी जुगाड़। इसमें जो हमने जल लिया है, ये जल है प्योर जल है, शुद्ध जल है, मतलब वर्षा का जल, जिसे आशुद्ध जल कहते हैं। और आज की इस एक्सपेरिमेंट में आपको ये समझाने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे बल्ब है, ये वायर है, पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है, इसको मैं कनेक्शन करके भी दिखाऊंगा। और यहाँ पर मैं शुद्ध नमक लिया हूँ, ये नमक आपके घर में भी होगा। अब यहाँ पर जो हम पढ़ाते हैं आप लोगों को कि जैसे जल होता है, जब वो अशुद्ध होता है तो विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। तो इसमें हम पहले चेक करेंगे कि अशुद्ध जल विद्युत का कुचालक है कि नहीं। इसके बाद हमारा एक्सपेरिमेंट ये होगा कि जैसे इसमें हम कोई आयन डालते हैं, जैसे हमारा ये NaCl है, जब इसको हम आयन इसमें मिलाते हैं तो किस प्रकार से ये कार्य करता है, क्योंकि किसी भी विलयन की जो चालकता है उसके आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। और जब हम NaCl की बात करते हैं तो जो NaCl है टूट करके Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाता है। तो जो Na पॉजिटिव या Cl नेगेटिव किस प्रकार से कार्य करते हैं उसको हम यहाँ पर आज आपको हम समझाने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले आप देखिए, ये वायर पूर्ण रूप से जुड़ा है। इसको चेक करने के लिए पहले हम बल्ब को जलाते हैं कि वास्तव में बल्ब जल रहा है कि नहीं। बिल्कुल, हमारा वायर बिल्कुल फिक्स है, देख सकते हो आप लोग, मतलब हमारा वायर सही है। अब हम आपके सामने ही इसको क्या करेंगे, कटिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर कटा हुआ है, इसको अपन क्या करते हैं, कट करते हैं। ये लो भाई साहब, कट कर दिया हमने, देखो कटा है। आपके सामने ही सब कुछ करने वाले हैं, बिल्कुल आप चिंता ना करो, ठीक है। चलो, अब इसको हम ऐसा जुगाड़ बनाते हैं कि ये बिल्कुल अंदर लड़े नहीं, दूर दूर होना चाहिए, थोड़ा दूर दूर रहे। इसको अपन क्या करेंगे, टेपिंग कर देंगे, इसको अपन टेपिंग करेंगे थोड़ा सा। तो टेप अपन यहाँ से सब जुगाड़ में बना कर रखे हैं, ये टेप है हमारा, इसको अपन टेपिंग करते हैं, ठीक है। और ये अंदर तक, ताकि ये जल के साथ टच करे। ये देखो, एक साइड हमने डाल दिया इसको और ये जल में टच कर रहा है, ठीक है, ये देख लीजिए। और दूसरा जो भाग है इसको भी अपन टेपिंग कर देते हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा टेप और ये दूसरा वायर, मतलब एक ही वायर को आपको डालना है बिलियन में। और ध्यान रखिएगा, ये जो भी प्रयोग है, ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर में ही करें, बिना एक्सपर्ट के आप नहीं कर सकते। इसलिए इस तरह के कार्य बिना एक्सपर्ट के सहारे आप मत करें, इतना मेरा आप लोगों से सजेशन है। तो अब इसमें थोड़ा सा हम जल डाल देते हैं। तो ये देसी जुगाड़ बन चुका है, देख सकते हैं आप लोग। और ये वायर हमने कहीं से नहीं काटा, देखो भी वायर पूरा जुड़ा हुआ है। और ये जो अर्थ फ्रस का कनेक्शन हमारा अभी सेम है, इसको अपन अर्थ फ्रस कनेक्शन करेंगे। तो ये रहा हमारा देसी जुगाड़, समझ रहे हैं। चलिए, अब इसमें थोड़ा सा और जल डाल देते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे जल है, ये शुद्ध जल है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, ये शुद्ध जल है। और फिर हम इसका कनेक्शन यहाँ पे देते हैं, ये लो, ये हमने कर दिया, शुद्ध जल है भाई साहब। अब देखो क्या धारा बह रही है, बिल्कुल धारा नहीं बह रही है, बल्ब नहीं जल रहा है, मतलब धारा नहीं बह रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें चालकता का कारण क्या है, आयन। किसी भी विलयन की जो चालकता होती है आयन के कारण होती है, तो हम चालकता निकालेंगे। चालकता कैसे इसका बढ़ा सकते हैं, जैसे जैसे इसमें आयन की यदि वृद्धि होगी तो विद्युत चालकता बढ़ेगा। विलयन की जो विद्युत चालकता होती है आयन की संख्या पर निर्भर करती है। अब हमें कोई विद्युत अपघट्य मिलाना है भी, विद्युत अपघट्य क्या है, जैसे NaCl, NaCl टूटता है तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनाता है। अच्छा, हमारे पास NaCl है, अब देखिएगा थोड़ा सा खतरा भी हो सकता है, थोड़ा सा दूर रहता हूँ, केमिकल रिएक्शन होगा, है ना, इसमें मैं डालूंगा, कुछ देर बाद ये आयन बनेगा, और जैसे ही आयन बनेगा तो ये जलना शुरू हो गया। ओ माय गॉड, देखो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल, देखो जला, जैसे मैंने आयन डाला इस पर जल गई भाई बल्ब, देखो धारा प्रवाह होना शुरू हो गया। अरे, विद्युत चालकता कैसे बढ़ती है, आयन की संख्या पर। ओके माय गॉड, देखो फिर से बढ़ गया, जैसे जैसे हमने NaCl मिलाया विद्युत चालकता बढ़ रही है। अभी इसकी चालकता और बढ़ाएंगे तो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हमारा ना, ये लो, ये देखो और बढ़ गया। अब क्या निष्कर्ष निकला भाई, हमने जैसे ही पानी में NaCl मिलाया, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव तुरंत फास्ट रिएक्शन मिनी सेकेंड, और भैया आयन गति करने लग गए। अब जब आयन गति करने लग गए तो बिलियन में जब आयन गति करे तो एक जो वायर से करंट है, जो इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वायर में ट्रांसफर हो गए आयन के थ्रू, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म भी आपको बोर्ड में समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये जो वीडियो एक्सपेरिमेंट है आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज शेयर जरूर करिएगा।